चंडीगढ़ में पहले भी पॉलिथीन को रोकने के लिए छापामारी हुई, लेकिन उसके बाद फिर से वो चलन में आ गई। इसका दुष्परिणाम जानने के बाद भी लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन इसको रोक नहीं पा रहा है, जिससे प्रशासन की खामियों को ये दर्शाता है। ट्राइसिटी चंडीगढ़ में बढ़ती गर्मी को देखकर इंडियन एकेडमी पीडियाट्रिक्स IPA ने DPI रुपिंदरजीत सिंह बराड़ को गर्मियों की छुट्टियां एक हफ्ते और बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें कि गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, लेकिन गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही है। इस बार की गर्मी ने पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। बाल रोग विशेषज्ञों के मुताबिक इन दिनों सुबह 8 बजे से ही बेहद कड़ी धूप हो रही है। ऐसे मौसम में बच्चे वायरल फीवर और डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं और साथ ही त्वचा झुलसने और फंगल इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है। ट्राइसिटी चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले सांसद किरण खेर ने सेक्टर 38 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन तो कर दिया था, लेकिन उसके बाद आज तक यहाँ ताले लगे हुए हैं। सांसद किरण खेर ने सेक्टर 38 वेस्ट के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 50 और सेक्टर 56 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था। इन नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस हॉल, बैडमिंटन कोर्ट, जिमनेजियम हॉल और एंट्रेंस हॉल बनाए गए हैं। उद्घाटन के बाद से इन सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन ने ताला लगा रखा है। इन सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को 31 मार्च तक शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन उद्घाटन के 120 दिन बाद भी ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी तक शुरू नहीं किए गए। अब हालात ऐसे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी चंडीगढ़ के खिलाड़ी इनका लाभ नहीं उठा सकते। मनीमाजरा स्पोर्ट्स, सेक्टर 38 वेस्ट, सेक्टर 50 और सेक्टर 56 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में UT स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से शानदार स्विमिंग पूल बनाए गए हैं, लेकिन सुस्ती का आलम देखिए कि मार्च से शुरू होने का वादा करने के बावजूद अभी तक इन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल शुरू नहीं हुए हैं। ट्राई सिटी न्यूज में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।